अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू लर्न विद उरूज फ़ातिमा। आज का जो टॉपिक है थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि GCU में जो इंटरव्यू के हवाले से आप लोगों को कन्फ्यूज़ हैं उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं। जिन लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन किए, मैं वहाँ पर भी आंसर देती रही हूँ, लेकिन अभी मैं क्लियरली आपको बताऊँगी कि क्या प्रोसेस है और किस तरह जो है इंटरव्यू के लिए आपको पता चलेगा कि आपके इंटरव्यू की स्लिप जो है वो आ चुकी है और क्या शेड्यूल वगैरह है और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं। तो वो आज की वीडियो इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ कर दें। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट हम इस तरह तरीके से करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगी कि GCU में इंटरव्यू बैचलर वालों के लिए इसी वीक कंडक्ट किए गए हैं, मीन के 1 अक्टूबर से लेके 3 अक्टूबर तक। वो हो सकता है कि आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे वाले दिन। अभी तक जो है वो कई जो अभी ये जिस तरह टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी उसी तरह जो है वो इसी की इंटरव्यू के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं स्टूडेंट्स को। सब्जेक्ट के हवाले से जिस तरह आपकी जिस शेड्यूल पर आपके टेस्ट हुआ था उसी शेड्यूल पर आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। अब इंटरव्यू कंडक्ट किस तरह किया जाएगा, इंटरव्यू जो है आपने चेक कैसे करना है कि आपका इंटरव्यू कब है, आपने करना यह है कि आपने अपना GCU पे पोर्टल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे जब राइट जो 3 डॉट्स बने हुए हैं वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको इंटरव्यू शेड्यूल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जैसे आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाती थी ऐसे ही डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने उसको डाउनलोड करना है और चेक करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये आ रहा है कि अनअवेलेबल या इस तरह का कुछ आ रहा है, तो उसकी क्या रीज़न है कि अभी तक आपके इंटरव्यू की डेट जो है वो अपडेट नहीं की गई। जिनका सुबह इंटरव्यू है उनका मोस्ट प्रोबेबली कि अभी तक जो है वो कि जनरेट कर दिया गया होगा उनका इंटरव्यू की डेट। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको चेक करना है कि इंटरव्यू जो है वो किस तरह कंडक्ट होगा, आपका वेन्यू क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो डिस्कस उधर चेक कर लेनी है। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद वो रोल नंबर स्लिप अपने पास सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद आपने अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ लेके जाने हैं और सेकंड चीज़ के आपका टाइम तो आपकी स्लिप के ऊपर मेंशन होगा, उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ आपका जो वेन्यू है वो भी मेंशन होगा। अगर आपको वेन्यू का नहीं पता होगा, क्योंकि बेसिकली आपको पता होगा आप पहले GCU जा चुके हैं टेस्ट के लिए, तो अभी भी वही सेम प्रोसेस होगा। वहाँ पे गाइड करने वाले लोग बैठे होंगे, आप वेन्यू को जाके वहाँ से पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सेकंड चीज़ है कि आपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो साथ आपने आपका CNIC ओरिजिनल, आपके मैट्रिक और FSC का जो भी आपके पास अगर रिजल्ट कार्ड है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, जो भी आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने साथ लेके जाने हैं। लाइक आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आपने अपने साथ लेके जानी है। तो आपने बी कॉन्फिडेंट होके अपने इंटरव्यू को जो है वो देना है, क्योंकि वहाँ पे आपका नॉलेज मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप अच्छे कपड़े पहने के जाएँ, अच्छी ड्रेसिंग करके जाएँ, मीन कि आपके हुलिये से लगे कि वाकई ही जो है वो आप पढ़ने वाले हैं या आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह जो है वहाँ पे क्योंकि स्पेशली बैचलर वालों से कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं होंगे, तो आपने रिलैक्स होकर जाना है, कोई जो है वो टेंशन वाली बात नहीं है। बी कॉन्फिडेंट होकर आपने जो है अपना इंटरव्यू जो है उसको अटेंड करना है। और विश यू गुड लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।